सोनू बेटा, क्या ये तेरी सुमित्रा मासी है क्या? हाँ माँ, ये तो सुमित्रा मासी दिख रही है। पर ये रो क्यों रही है? ये तो जाकर ही पता चलेगा ना माँ। क्या? तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं गोलू बेटा? चल जाकर देखते हैं। हाँ माँ। अरे सुमित्रा! अरे चटोरी दीदी, आप क्या? हाँ, पहले तो मुझे ये बता कि तू रो क्यों रही है। अरे सुमित्रा मासी, बोलो ना, क्या हुआ? वो मेम साहब ने मुझे काम से निकाल दिया। क्या? पर क्यों? उन्हें मेरा काम अच्छा नहीं लगता, इसलिए। मैं कपड़े अच्छे नहीं पहनती हूँ, इसलिए। और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, इसलिए। क्या? उस मेम साहब की इतनी हिम्मत कि उसने मेरी बहन में से कमियां निकाली? उस मेम साहब को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल गोलू, उस मेम साहब को सबक सिखाने चलते हैं। हाँ माँ, चलो। चल। अरे ये चटोरी दीदी भी ना, हे भगवान, मेम साहब को चटोरी दीदी से बचा लेना। मेम साहब, मेम साहब, अरे ओ मेम साहब, जल्दी इधर आओ। हाँ, क्या है? और तुम दोनों कौन हो? हम घर काम करने आए हैं। हैं? पर मैंने तो नहीं रखा तुम्हें। तो मैंने कब कहा कि तुमने मुझे काम पर रखा है? मैं तो खुद यहाँ काम पर लग गई हूँ, समझी? अरे पर ए, ज्यादा कुछ बोला ना तो एक मुक्का पड़ेगा ना तो घूमती हुई उस सोफे पर जा गिरेगी, समझी? मुक्का? ए, अब ऐसे क्या देख रही है? चल हट, अंदर जाने दे हमें। चल गोलू। ये क्या हो रहा है? अरे वो एसी चल रही है, इस ठंडी हवा में यहीं बैठ जाता हूँ। ए लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठे की? किसे पूछकर तू यहाँ बैठा? मुझसे पूछकर। क्या है, बहुत दादागिरी दिखाती है? अरे नहीं नहीं चटोरी दीदी, मैं तो बस। चुप! मेरे बेटे गोलू को अगर तूने कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? आई बड़ी मेरे बेटे को डराने। चल गोलू। हाँ माँ। हे भगवान, मेरी सुमित्रा ही अच्छी थी, ये तो मेरी बोलती बंद कर देती है। अब क्या करूं मैं? अब चटोरी दीदी। हाँ, क्या है? वो मैं क्या कह रही थी, अब मेरी पुरानी काम वाली सुमित्रा, वो ना गांव से वापस आ गई है और वो काम करने यही आना चाहती है, और मैं भी उसी को ही रखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हारी काम वाली आ रही है तो हमारा यहाँ पे क्या काम है, ना गोलू? हाँ माँ। क्या सच्ची? हाँ, हम तो चले जाएंगे, पर पक्का तुम्हारी काम वाली आ रही है या हमें निकालने के लिए झूठ बोल रही हो? नहीं नहीं, सच में मुझे वही काम वाली रखनी है। सुमित्रा तुम बहुत अच्छी हो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखा दोस्तों, इस मेम साहब की अक्ल ठिकाने आ ही गई ना।